रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है और बीजिंग ओलंपिक से ठीक कुछ दिन बाद जो अटैक करके और ये सारी मैनिपुलेटेड चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, क्या इसमें चाइना की सी जिनपिंग का कुछ भी रोल है क्या? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजिंग विंटर ओलंपिक में उसके जस्ट बाद जब पुतिन है तो एकाएक कैसे अटैक कर दिया? क्या कुछ प्लानिंग हुई थी? क्या चाइना में गए थे तो क्या वहाँ पे जो मीटिंग्स की थी वहाँ पे कुछ बातें हुई थी? क्या हुआ था? और चाइना की शी जिनपिंग का कुछ भी इसमें भूमिका है क्या, या चाइना की कुछ भूमिका है क्या? आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये मामला है और क्या कुछ इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक महीने पहले कहा था कि रूस के साथ हाल में मजबूत हुए रिश्ते की कोई सीमा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में बीजिंग में आमने सामने बातचीत की थी, मतलब बीजिंग विंटर ओलंपिक जब हुआ था तो एकदम फेस टू फेस मुलाकात की थी और सारी चीज़ें बातचीत की थी और मीटिंग्स भी की थी। इसके बाद दोनों देशों की ओर से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किए गए थे जिसमें दोनों विंटर ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन समारोह देखने चले गए। इन खेलों के खत्म होने के बाद चंद दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। चीन सरकार ने ना इस हमले की निंदा की और ना ही इसकी अनदेखी की, उसने इस हमले को कहने में ही परहेज कर दिया। चीन हमेशा ये कहता है कि वह दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता, यह उसकी विदेश नीति के मूल में है। लेकिन इस वीक के शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने संकेत दिया कि चीन युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर सकता है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि वांग ने यूक्रेन की संप्रभुता को चीन के मजबूत समर्थन की एक बार फिर से पुष्टि की है और उन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री को भरोसा दिया है कि चीन कूटनीति के जरिए युद्ध खत्म करने की हर कोशिश करने के लिए तैयार है। चीन सरकार ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई पर अफसोस भी जताया है और उसने कहा है कि वह यूक्रेन के नागरिकों को ही को हो रहे नुकसान के प्रति काफी चिंतित है। चाइना ने और एक गौर करने वाला कदम उठाया है। भारत के साथ वह उन 34 देशों में शामिल था जो संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर चीन के हमले के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अनप्रेजेंट था। मैंने आपको ऑलरेडी वो वीडियो बताया है, आप देख भी सकते हैं कौन कौन और किस किस देश ने वोटिंग की हुई है। एक्सपर्ट्स को चीन के इस कदम से ने चौंका दिया है। क्या चीन की विदेश नीति में दिख रहे हैं बदलाव के संकेत कुछ? तो क्या चीन का ये कदम उसकी विदेश नीति में किसी बदलाव का संकेत है? या हो सकता है क्योंकि चीन यूक्रेन की संप्रभुता को सम्मान देने के सिद्धांत और रूस के वाजिब सुरक्षा चिंताओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर आप रूस और चाइना के बीच गहरी और असीम दोस्ती का ऐलान करने वाले को 5000 पन्नों के दस्तावेज को देखेंगे तो पाएंगे कि नेटो के विस्तार का विरोध दोनों देशों को एक साथ ले आ रहा है। हालांकि यह इस समझौते में दोनों देशों के कई साझा मुद्दे भी शामिल हैं, उसमें से मिलकर भी काम करने की बात कही गई, खासकर अंतरिक्ष, आर्कटिक और कोविड-19 वैक्सीन के मामले में समझौते पर पुतिन और जिनपिंग ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों के साझा विजन का दस्तावेज है। इसके मुताबिक दोनों देश आगे भी मिलकर काम करेंगे। बुनियादी अंतर और समानताएं क्या क्या हैं, अब आप उनको समझिए। चीन का रूस के प्रति समर्थन, इतनी मजबूती के साथ खड़े होने का यूक्रेन मामले में उसकी निंदा ना करने का एक अहम मतलब अपोजिट देखा जा सकता है और जोड़ के भी आप देख सकते हैं इस मामले को। और वह ताइवान और ताइवान के मामले को भी आप किस तरह देखते हैं, इससे रूस के प्रति चीन का नज़रिया आपको समझ में आ जाएगा। चीन की नज़र में शासी ताइवान का अस्तित्व गैर कानूनी है। जिनपिंग इसे चीन में फिर से मिलाना चाहते हैं। अगर शी जिनपिंग ने ताइवान पर यूक्रेन जैसा हमला किया, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश इतनी ही गंभीर या इससे ज़्यादा गंभीर प्रतिक्रिया रिएक्शन दे पाएंगे? क्या ताइवान पर चीन के हमले की इससे कड़ी निंदा होगी या फिर उसके खिलाफ ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे? क्या उसे सांस्कृतिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? लेकिन अहम बात तो ये है कि ताइवान यूक्रेन नहीं है, कुछ और है, कुछ और नहीं। और दोनों देशों की कानूनी स्थिति में भी अंतर है। लेकिन अगर चीन रूस की वाजिब सुरक्षा वजह को मान्यता देकर उसे स्वीकार करता है, उसे जटिल और अद्वितीय ऐतिहासिक संदर्भों की वजह संप्रभुता को सम्मान देने के लिए सिद्धांत को खारिज करता है, तो शी जिनपिंग भविष्य में ताइवान पर अपने संभावित हमलों को दुनिया के सामने सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही वह रूस की ओर से समर्थन की भी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने समर्थन किया तो इसके बदले में वो भी समर्थन चाहेंगे। एक और अहम बात कि शी जिनपिंग और पुतिन के निजी रिश्तों की है। दोनों अब तक एक दूसरे से 40 बार मिल चुके हैं। पिछले महीने जब पुतिन विंटर गेम्स के लिए चीन पहुंचे थे तो वो कोविड-19 शुरुआत के बाद यहाँ आने वाले सबसे महत्वपूर्ण और बड़े नेता थे। शी जिनपिंग और पुतिन दोनों अग्रणी नायकवादी नेता हैं। दोनों ये महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं कि रूस और चाइना की अपनी अपनी मातृभूमि के लिए अपने अपने जुड़ाव और रिश्ते और मजबूत करेंगे। शी जिनपिंग का एक ऐसा भविष्य की तस्वीर लिए हुए हैं जिसमें चीन एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, यानी एक हद तक अपने ग्लोबल संबंधों से अब तक हासिल फायदे के बगैर काम चला सकता है। क्या चीन को रूस के साथ असीम रिश्तों के रुके से
पीछे हटना होगा। तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको इस पे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बीबीसी की तरफ से पूरा आर्टिकल था, मैं वही आपको बता रहा था। लेकिन रूस के साथ चीन की नई असीम पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका उसका सहयोगी और स्थापित विश्व व्यवस्था के साथ उसके रिश्तों का पुनर्गठन शुरू हो। दरअसल यह वही विश्व व्यवस्था है जिसमें हाल ही के वर्षों में उसने ज्यादा भूमिका निभाने की कोशिश की, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का मामला हो, शांति रक्षा का हो, इसमें राजनीति भी आप अपने चुनाव की राजनीति नहीं बल्कि आपस में लड़ रहे देशों से जुड़ाव की राजनीति। चीन युद्ध की विभीषिका देखने से अपने लोगों को रोकता है, वह युद्ध से जुड़े ब्यूरो को करता रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस तरह के युद्ध के भयानक विवरण हर वक्त आते रहते हैं, इसका दस्तावेजीकरण होता रहता है। रूस के मामले में उसका क्या रुख है उसे तय करने में युद्ध के ब्यौरे और दृश्य अहम वजह साबित हो सकते हैं। शी जिनपिंग और उनके इर्द गिर्द के वरिष्ठ नेताओं ने ये कह सकते हैं कि रूस के साथ एक रिश्ते की सीमा है, लिहाजा रूस के साथ अपने रिश्तों की असीम मानने के बजाय चीन को पीछे हटना होगा। इसके साथ ही उसे आगे बढ़कर रूस यूक्रेन मामले में भी मध्यस्थता की भूमिका निभानी होगी, यानी वो भूमिका जिसके बारे में उसने यूक्रेन से कहा था कि वह उसके लिए तैयार है। लेकिन चीन ने अपनी भूमिका इस भूमिका को निभाने के मामले में अभी तक कोई संकेत नहीं दिए हैं। आज की ये रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से थी और बीबीसी ने इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी निकाला है, आप चाहें तो आप जाके पढ़ भी सकते हैं। और मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई दिया आपको सारे वीडियोस में कि क्या क्या बीबीसी कह रहा है और यूक्रेन पर पुतिन के हमलावर रुख को मोड़ने में क्या चीन के शी जिनपिंग की कुछ भी भूमिका है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई, इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।